खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई पिछले 15 सालों से रेसिपीज बताते नहीं बिल्कुल बोर नहीं हुआ। बहुत अच्छा लगता है कि आप इसी तरह से हमेशा देखते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आज कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जो आप बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कभी कम बनाता हूँ, हाँ कई चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बनाता हूँ, तो आज ऐसी रिक्वेस्ट कौन सी हो सकती है? जी हाँ, बिना प्याज लहसुन का खाना। बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं, ऐसे फैंस हैं, बहुत सारे लेटर्स आते हैं जिसमें लिखा होता है कि बिना प्याज लहसुन वाला जैन एपिसोड बताइए। अब देखिए, मैं कोई धर्म के हिसाब से तो चलता नहीं हूँ क्योंकि खाने का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी जो सेंसिटिविटीज़ हैं खाने की उसको हमेशा ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। अब बिना लहसुन के प्याज के ऐसी कौन सी चीज़ें बन सकती हैं, और वो भी ऐसी चीज़ें जो घर में नॉर्मल हों, आसान हो, लेकिन फिर भी अगर कोई घर पर आ जाए तब भी मज़ा आए। तो चलिए एक शुरुआत करते हैं, सिंपल सी रेसिपी। कौन सी? तो बनाते हैं पनीर केसरी। ये जो पनीर हम बनाएंगे इसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी है। तैयारी में ये मेरे पास वाटरमेलन सीड हैं। जी हाँ, जो तरबूज होता है बड़ा वाला, हरा वाला, उसके बीज ये बाज़ार में मिल जाते हैं। तो इसको पानी के अंदर करीब आधे घंटे तक भिगो के रखें और फिर इसे हमने पीसना है ये इसके अंदर। और ये लीजिए, ये तैयार। और अब थोड़ा सा घी, थोड़ा सा तेल। अब ग्रेवी में बनाएंगे पनीर केसरी। कैसे बनाएंगे इस ग्रेवी को देखते हैं। पनीर ये हो गया गरम। अब इसके अंदर हम डालते हैं ये फ्रेश टमाटर प्यूरेड, और अब जरा इसे अच्छे से भून लें। ये जो ग्रेवी हम बनाएंगे, जो थिकनिंग है और जो रिचनेस है वो आएगी मेलन सीड से, जो तरबूज के बीज हैं। चाहे तो आप उसको रोस्ट करके फिर उसकी पेस्ट बनाएं, नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये मेरे पास धनिया पाउडर, और उसके साथ साथ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च। भाई प्याज लहसुन मना है, मसाले थोड़ी मना है। अब इसके अंदर ये जो हमने मेलन की पेस्ट तैयार की है, ये मेलन की पेस्ट, और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब ये जो ग्रेवी है ये देखिए पक पक के कितनी बढ़िया लग रही है, इसको पकाना अच्छे से है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे दही, दही का क्रीमी टेक्सचर इसके अंदर, बढ़िया गाढ़ी दही। और अब इसे कर देते हैं मिक्स। ये देखिए क्या बढ़िया क्रीमी टेक्सचर आ गया है। और अब इसके अंदर केसर, भाई केसरी है तो ये केसर इसमें। और अब ये पनीर के पीसेस, नमक स्वाद अनुसार, और फिर जरा हल्के हाथ से मिलाते हैं। अब इसके अंदर खुशबूदार इलायची पाउडर, और अब एक ज़रूरी चीज़ वो ये कि भाई इसमें ये सारे स्वाद ठीक हैं या नहीं है वो देखने के लिए। खुशबू अच्छी है, दूर से ही आ रही है, पास से और ज़्यादा आ रही है। सबसे खासियत ये है कि इसमें इतनी सारी चीज़ें डाली हैं, लेकिन सबसे पहली खुशबू, सबसे पहला स्वाद केसर का। उसके लिए केसर में कंजूसी ना करें, केसर डालें बढ़िया वाला। और फिर देखिए इस पनीर केसरी का कमाल। प्याज अब ऐसी सस्ती चीज़ों का क्या काम, जब केसर हमारे पास है, इलायची है, पनीर है, दही है, ये मेलन सीड्स हैं, तो प्याज किसको चाहिए। चलिए नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। पनीर केसरी के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पनीर एक इंच के टुकड़ों में कटा हुआ, चुटकी भर केसर, एक चम्मच पानी में भीगा हुआ, दो बड़े चम्मच देसी घी, आधा कप टोमेटो प्यूरे, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच चीनी, नमक स्वाद अनुसार, एक कप दही, एक चौथाई छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर और 6 बादाम के स्लाइसेस भुने हुए। इसे बनाने के लिए एक पैन में एक बड़ा चम्मच घी गरम करके इसमें टोमेटो प्यूरे, लाल मिर्च पाउडर, चीनी और नमक डालकर पका लें। अब इसमें दही डालकर करीब 1 मिनट तक पकाएं।
अब पनीर के पीसेस डालकर इसे 2 मिनट तक और पकाएं। इसमें हरी इलायची पाउडर और पानी में भीगा हुआ केसर डालकर मिक्स करें और भुने हुए बादाम से सजाकर गर्मा गर्म परोसें। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आप देख रहे हैं हमारा बिना प्याज लहसुन का स्पेशल एपिसोड। भाई सुबह सूरज निकलने से पहले और शाम को सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसे काफ़ी लोग मानते हैं। वैसे इसमें काफ़ी समझदारी भी है, क्यों? क्योंकि खाना अगर रात को खाया जाए उसके बाद अच्छे से पचे नहीं तो वज़न बढ़ता है। तो इसलिए जो बड़े बूढ़े कहते हैं उनको ध्यान से ज़रूर सुनना चाहिए। अब ये जो रेसिपी है ये इस रेसिपी पर ख़ास तौर से अप्लाई होती है ये बात। वो क्यों? क्योंकि चने जो है ना वो हैवी होते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर लोग दिन में ही खाते हैं, डिनर में तो वैसे नहीं खाते। और अगर डिनर में भी खाने हैं तो सूरज ढलने से पहले खाएं। तो चलिए अब ये जो चने हैं बिना प्याज के पंजाबी छोले, मसालेदार पंजाबी छोले, इसके लिए आपको सबसे पहले लेने हैं बढ़िया से काबुली चने। और ये जो काबुली चने हैं इसको रात भर पानी के अंदर भिगो के रखें। अच्छा, इसके लिए ये जो चने हैं इसको ये देखिए ये पानी में से निकाल के ये ले लिया और अब इसमें पानी डाल के और अब इसके अंदर नमक डालें, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके अंदर हम काला नमक भी डालेंगे लेकिन वो अभी नहीं। काले नमक की बात हो गई, ये सफ़ेद चनों को काला कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा है, आप चाय पत्ती ले लें और चाय पत्ती अपनी पसंद की और ये मसलिन क्लॉथ, ये चाय पत्ती और ये है मेरे पास सूखा आंवला। इससे जो टेस्ट है वो भी अच्छा आता है, खट्टा हो जाता है और रंग भी अच्छा हो जाता है चने का। ये लीजिए, इस पोटली को अब हम बंद कर देते हैं। ये हो गई ये पोटली, हाँ अब, और अब ये जो पोटली है इसको आप डालें इस प्रेशर कुकर के अंदर। थोड़ा दूर से डालिए, नज़दीक से क्या डालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आराम से प्यार से डालें, दूर से थोड़े क्योंकि क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं हम लोग, इसमें ऐसे प्यार से डालें और फिर इसको रख दें, बंद कर लें ये। और ये जो प्रेशर कुकर में चने हैं इसे पूरी तरह से गलना चाहिए। भाई गलने का मतलब 4-5-6 सीटी, तो इसे तब तक पकाएं जब तक जो चने हैं पूरी तरह से गल ना जाएं, जैसे मैंने यहाँ पर पका रखे। ये देखिए ये चने का दाना, और इसे दबा के ये देखिए अच्छी तरह से दब जाना चाहिए। अच्छा, जब तक ये चने पकते हैं मेरे पास और चने हैं, इसको मैं डाल लेता हूँ इसके अंदर और इसे करते हैं गरम। और फिर इसमें ढेर सारा जीरा चाहिए, ये जीरे को भून लेते हैं। ये देखिए जो जीरा है अच्छी तरह से, अच्छा अच्छी तरह से का मतलब कि डरिए नहीं, थोड़ा सा जल भी जाए तो भी घबराने की बात नहीं है। वैसे मुझे तो थोड़ा जला हुआ इसके लिए ज़्यादा अच्छा लगता है, एक तो रंग अच्छा आता है और खुशबू, वाह। और अब इसके अंदर ये डाल देते हैं अनारदाना, अनारदाना भी साथ साथ भून लेते हैं। और अब इसे थोड़ा ठंडा करके आप चाहें तो इसमें पीस सकते हैं, ये देखिए कि इसमें कैसा पिसता है, बढ़िया ही पिसेगा, बस समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। चलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसमें पीसें या इसमें, ये देखिए ये वाह, ये देखिए और अब ये मेरे पास पैन और इसमें ये तेल, ये हरी मिर्च, ये लीजिए हरी मिर्च और उसके साथ साथ जीरा। और अब इसके अंदर ये धनिया पाउडर, इसे करते हैं बंद। और ये जो है ये हमारे पास तैयार, इसमें ये जीरा और अनारदाना, उसके साथ साथ लाल मिर्च पाउडर। अब ये जो हमारे पास है तेल, ये इसमें, लेकिन
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्यों? क्योंकि इसमें अभी डलेगा ये काला नमक और उसके साथ साथ थोड़ा चाट मसाला, और अब इसे करने मिक्स। ये देखिए, अब इसकी रंगत देखिए आप, क्या मसालेदार चने। अब इसके साथ कुलचे खाएं, भटूरे खाएं, ब्रेड खाएं, पाव खाएं, चावल के साथ खाएं, रोटी पराठा कुछ भी, या ऐसे ही। पहले जरा चख लेते हैं कि ऐसे कैसे। ये तो ऐसे ही कमाल के हैं। मिर्च जो छोटी छोटी दो डाली थी ना हरी, वो ज्यादा तीखी हैं। आप ऐसी वाली थोड़ी कम डालें। पानी कहाँ है? नहीं नहीं, वैसे ये चने थोड़े तीखे ही अच्छे लगते हैं। आपको कम तीखा चाहिए तो वैसा डालें, हाँ और खटाई चाहिए तो सर्व करने से पहले थोड़ा सा नींबू। वाह जन्नत। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। नो अनियम पंजाबी छोले के लिए हमें चाहिए 1.5 कप काबली चना पानी में भीगा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, 4 सूखे आंवले, 2 छोटे चम्मच चाय की पत्ती, 4 बड़े चम्मच तेल, 2 हरी मिर्च लंबी कटी हुई, 1 छोटा चम्मच जीरा, 4 टमाटर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अनारदाना कुटा हुआ, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। इसे बनाने के लिए एक मसलिन क्लॉथ में चाय की पत्ती और आंवला डालकर इसकी पोटली बना लें। एक प्रेशर कुकर में पानी में भिगा हुआ काबली चना लें और इसमें 3 कप पानी, तैयार पोटली और नमक डालकर इसे करीब 5 सीटी आने तक पका लें। इसके साथ इसमें डालें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कुटा हुआ अनारदाना। सब चीजों को भूनें। इसमें पका हुआ चना और नमक डालकर इसे धीमी आंच पर करीब 10-15 मिनट तक पका लें और इसे कटे हुए हरे धनिया से सजा कर गर्मा गर्म परोसें। वेलकम बैक खाना खजाना में। एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई खाना ऐसा हो जो घर में बार बार खाया जा सके, लेकिन कभी कभी उसमें अगर स्वाद रेस्टोरेंट का आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब मुश्किल क्या होती है? मुश्किल ये होती है कि घर में जो नॉर्मल हम दाल बनाते हैं वो तो बन जाती है ठीक ठाक, लेकिन जब घर में दाल मखनी बनाने की कोशिश करते हैं वो भी बिना प्याज लहसुन के, तो वैसा स्वाद नहीं आता जैसा रेस्टोरेंट में आता है, वो भी बहुत महंगी वाली दाल का स्वाद बिल्कुल नहीं आता। तो मैंने सोचा कि आपकी हमेशा डिमांड रही है कि बिना प्याज लहसुन वाली काली दाल मखनी कैसे बनाई जाती है, ऐसे बनाई जाती है। इसके लिए हमें चाहिए काली उड़द। ये देखिए ये काली उड़द, करीब 8-10 घंटे तक इसको भिगो के रखना और उसके साथ साथ राजमा। अब जम्मू वाले मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये भी चाहिए लेकिन ये ज़्यादा नहीं चाहिए। इसको भी रात भर पानी के अंदर भिगोना है और उसके बाद इन्हें आपने पानी के अंदर अच्छी तरह से उबाल लेना है। और अब इसे पकाने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका, बस थोड़ा सा तेल। हाँ एक और काम करना है इसमें, वो भी साथ साथ कर लेते हैं हम, और वो ये कि थोड़ा जीरा, दालचीनी, उसके साथ साथ इलायची और लौंग, इसको भून लें। अब ये तेल के अंदर टमाटर, फ्रेश टमाटर प्यूरे करके, ये इसके अंदर, और ये जो है मसाला, इसे भून के इसको पीस लें, इसका गरम मसाला तैयार कर लें। ये गरम मसाला हमने तैयार करके रखा हुआ है। ये जो टमाटर हैं ये हमने पका लिए, इसके साथ साथ इसमें डालते हैं ये दाल, ये राजमा, और इसमें थोड़ा नमक इसके अंदर, और फिर ये लीजिए, और इसके साथ साथ इसमें पानी, और अब इसे पकने दें कुछ देर तक। कितनी देर तक पकने दें? 30 घंटे? नहीं नहीं नहीं, करीब 15-20 मिनट इसको मीडियम हीट पर पकने दें, ताकि ये जो दाल है वो टमाटर के साथ एकदम एक सार हो जाए, फिर मज़ेदार होगी। भाई रेस्टोरेंट में क्या होता है, रेस्टोरेंट में जब खाना बनता है तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी मेहनत कर पाते हैं और वो काम करने के पैसे मिलते हैं। घर में थोड़ी ऐसा होता है, तो घर में तो ऐसे ही होता है, जो चीज़ें जल्दी जल्दी हो सके उसी का आपको स्वाद लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें चाहिए होता है कि बाहर का स्वाद आ जाए, तो इसीलिए थोड़ी सी रिचनेस इसमें। लेकिन अभी नहीं, अभी तो इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और इसमें
लाल मिर्च पाउडर। इसका जो रंग है दाल का उसमें हल्की लाली होनी चाहिए, तो इसलिए जो लाल मिर्च पाउडर आप इसमें डालें वो भी रंग अच्छा वाला होना चाहिए। देगी मिर्च आप डालें, ये देखिए कैसे ही लाल मिर्च डालते ही इसके अंदर ये लाली सी आ गई, और टमाटर की वजह से भी। और अब इसे उबलने देते हैं। चलिए अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ये गरम मसाला पाउडर, खुशबूदार गरम मसाला पाउडर। अब इसे हम घुमा देते हैं और अब इसकी आंच धीमे करके इसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। वैसे आप चाहें तो घर में जो मलाई होती है उसको भी फेंट के इसमें डाल सकते हैं। क्या खुशबू है, खटास एकदम बराबर खटास, क्योंकि टमाटर की खटास चाहिए इसके अंदर हमें, और वो खटास आ रही है हल्का हल्का गरम मसाला, मिर्च का भी टेस्ट आ रहा है, और दाल क्रीमी टेक्सचर, दाल मखनी आपके लिए बिना प्याज और लहसुन की। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप साबुत उड़द की दाल पानी में भीगी हुई, 2 बड़े चम्मच राजमा पानी में भीगा हुआ नमक स्वादानुसार, 4 बड़े चम्मच मक्खन, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च लंबी कटी हुई, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग, 3 हरी इलायची, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 टमाटर प्यूरे किए हुए, 3/4 कप फ्रेश क्रीम और 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसे बनाने के लिए उड़द दाल और राजमा में 2 कप पानी और नमक डालकर प्रेशर कुकर में करीब 5 सीटी आने तक पकाएं और इसे थोड़ा मसल लें। अब एक पैन में 3 बड़े चम्मच मक्खन गर्म करके इसमें जीरा डालकर भूनें, इसमें हरी मिर्च, दालचीनी, लौंग और हरी इलायची पाउडर डालकर भूनें, इसके साथ इसमें डालें लाल मिर्च पाउडर और टमाटो प्यूरी। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसमें पकी हुई दाल और राजमा, 1 कप पानी और नमक डालकर इसे करीब 10 मिनट तक और पकाएं। फिर इसमें फ्रेश क्रीम डालकर मिक्स करें और इसे कटे हुए हरे धनिया और मक्खन से सजाएं और सर्व करें। स्वादिष्ट और चटपटे छोले, वाह, अगर इसके साथ पूरी और भटूरे मिल जाएं, तो वाह भाई वाह। सुबह का नाश्ता हो या कोई त्योहार, हमारे दिन की शुरुआत और भी स्वादिष्ट हो जाती है। तो चलिए आप भी मजा लें इन तलती पूरियों का, वाह। और अब बारी है आज की टिप की। भाई छोले मसाला के लिए मसाला बनाना हो तो बहुत ही आसान है। इसके लिए 2 बड़े चम्मच जीरा, 3 बड़े चम्मच धनिया, 2 1-इंच के टुकड़े दालचीनी के, 10 लौंग, 1 काली इलायची, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 2 छोटे चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 5 त्रिफले, 2 बड़ा चम्मच अनारदाना, 10 तेज पत्ते और 10 सूखी लाल मिर्चों को सूखा भूनकर इसे थोड़ा ठंडा करें और इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और 2 छोटे चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच अमचूर डालकर पीसें और इसे इस्तेमाल करें। लीजिए छोले मसाला तैयार। आज बस इतना ही, नमस्कार।